महाराष्ट्र में चुनावी वक्त में पाला बदलने और बगावत करने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवसेना के प्रवक्ता राहुल नार्वेकर ने शिवसेना छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया है। शिवसेना ने नार्वेकर को दगाबाज ठहरा दिया है। मुंबई में शिवसेना नेता पार्टी प्रवक्ता राहुल नार्वेकर को शिवसेना का 15 साल पुराना साथ रास नहीं आया तो शिव सैनिकों को भी नार्वेकर का दल बदलना, शिवसेना छोड़कर एनसीपी का दामन पकड़ना अच्छा नहीं लगा। लिहाजा एक तरफ राहुल नार्वेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे तो दूसरी ओर उन्हीं से जुड़े रहे शिव सैनिक नार्वेकर को ललकार रहे थे, पूछ रहे थे पार्टी में रहकर हमेशा सुर्खियां बटोरी, कई चुनाव लड़े फिर चुनावी वक्त में पाला क्यों बदला, शिवसेना की पीठ में झूरा क्यों खोपा। शिवसेना छोड़ नार्वेकर एनसीपी के पाले में, नार्वेकर के खिलाफ भड़का विरोध प्रदर्शन। शिवसेना के प्रवक्ता राहुल नार्वेकर बीते 15 साल से बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बांसुरी बजाते रहे। बताने वाले बताते हैं कि बातें ऐसी करते रहे कि इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी शिवसेना के ही बने रहेंगे। लेकिन एनसीपी की ओर से पुणे की मावल लोकसभा सीट पर टिकट का लॉलीपॉप देखते ही मन ललचा गया। कहते हैं कि नार्वेकर को एनसीपी नेताओं ने पुणे के मावल से चुनाव लड़ाने का वादा किया है, लिहाजा जो नार्वेकर कल तक शिवसेना के गीत गा रहे थे अब शरद पवार और अजीत पवार का पल्लू पकड़कर शिवसेना की चिंदी चिंदी उड़ाने में जुटे हैं। इंटरनल साबोटाज पार्टी के अंदर का की राजनीति, मेरे सामने दो ही पर्याय थे, या तो घर पे बैठो राजनीति से दूर हो जाओ या तो ऐसे किसी पक्ष के साथ जुट जाओ जो युवक और युवाओं को सुशिक्षित युवाओं को एक प्रोत्साहन दे। तो दूसरी सीट पर मोटा प्रमाण युवक युवती जे आज कोण आपला उमेदवार लोकसभेमध्ये जाऊन आवाज करणार प्रश्न मांडणार। नार्वेकर को एनसीपी तो भा गई, टिकट मिलेगा या नहीं पक्का नहीं, लेकिन साथ ही शिवसैनिकों के समर्थन की जमीन यकीनन दरक गई है। जाहिर तौर पर सवाल है कि चुनावी वक्त में निष्ठा बदलने और पारा बदलने वाले नेताओं को जनता कितना मंजूर करेगी, नार्वेकर की सियासी नैया कैसे पार लगेगी।